दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने इलाके में फौज बुलाने का भी मुतालबा किया, और जबकि ऑपोजिशन जमात जो कांग्रेस है उसकी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने इंटीरियर मिनिस्टर अमित शाह के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। तो अब ये जो तमाम डेवलपमेंट्स हमें डेवलप होती नजर आ रही हैं दिल्ली शहर के अंदर, क्या आपको लगता है कि इस तमाम सिचुएशन का इस साउथ एशिया के रीजन में या पाकिस्तान पर कोई अल्टीमेट जो है कोई ड्रॉबैक आएगा इस तमाम इलाके में? देखिए, जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, अगर हम बात करें हिंदुस्तान के मुसलमानों के मामले में, तो हमें तो यही जवाब दिया जाएगा कि ये हमारा अंदरूनी मसला है। इसमें जागने की जरूरत है मुस्लिम उम्मा की। तमाम मुसलमान मुल्कों को चाहिए था कि वो इसके बारे में कोई करारदाद पास करते, या कम अज कम कोई प्रेशर टैक्टिक्स यूज करते कि भारत को मजबूर किया जाता कि वो ये जुल्म बर्बरियत ना करे। हम कश्मीर के मसले पे तो बात कर सकते हैं क्योंकि वो मतनाजा इलाका है, ये एक तनाजा है जिसको हल करने की जरूरत है। लेकिन जो अंदरूनी मुसलमान है उनका अपना मसला जो है वो खुद पहले उनको उठाना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि अगर अगर मुसलमान वहां के खुद बात नहीं करते, आप देखिए कि वो वहां पे भारत के साथ वफादारियां झंडे उनके लेके फिर रहे हैं, बार बार उनके हक में नारे लगा रहे हैं, और वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वो साबित करें कि भारत के वफादार हैं, लेकिन वो उनको कबूल नहीं कर रहे। तो उन हालात में ये बड़ा मुश्किल है कि एक आप भारतीय शहरी के लिए यहां से आवाज उठाना शुरू करें। आप इंसानी हकूक की बात तो कर सकते हैं।